हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीपास किचन एंड कॉस्मेटिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे परोड़ा की सब्ज़ी। आपके शहर में इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह सब्ज़ी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, और साथ ही साथ यह हमारे त्वचा के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। इस सब्ज़ी को ज़रूर खाना चाहिए। इसके आगे पीछे के भाग को निकाल देंगे। इसको चाकू की सहायता से पतला पतला काट लेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, इसी तरह से पतला पतला काट लेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम लिए हैं, इनको धुल के इस तरह से काट लेना है। 3 मध्य आकार की प्याज हैं, इनको पतला पतला लंबे आकार में काटना है। फ्लेम को ऑन करेंगे, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम सरसों ऑयल लेंगे। यहाँ मैंने 2 चमचे सरसों ऑयल लिया है। इस सब्ज़ी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही साथ हम परोड़ा भी डाल देंगे। प्याज को हमको लाल नहीं करना है, ना सौते करना है। साथ ही में दोनों को एक साथ ले लेना है, ये साथ ही में एक साथ फ्राई हो जाए। अगर हम प्याज को लाल कर लेंगे तो ये परोड़ा फ्राई नहीं हो पाएगा और इससे सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। ये साथ ही में फ्राई करें, ये दोनों साथ ही साथ चलाते चलाते 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें, ये लाल हो जाएंगे ये दोनों एक साथ। जब ये फ्राई करेंगे इसमें क्रंचीनेस बढ़ेगी और सब्जी का स्वाद बहुत ही उभर के आएगा। इसको आपको ज़रूर खाना चाहिए। और मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, कमेंट एंड शेयर, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह से दोनों फ्राई हो जाएंगे एक साथ। देखिए, अगर हम प्याज पहले लाल कर लेते तो ये परोड़ा भी लाल नहीं हो पाता, तो सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती। नमक 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच गरम मसाला। इसको हम नेचुरल पानी में ही भूनेंगे। फ्लेम को हम धीमा रखेंगे जिससे कि हमारे कढ़ाई मसाला चिपके ना। मसाला अगर कढ़ाई में चिपक जाए तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाएगा। चलाते हुए भूनेंगे। फिर हम इसमें 1/2 कप पानी लेंगे। आपको यह सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए और सभी को खिलानी भी चाहिए। ये बहुत ही कम सब्ज़ी होती है। 1/2 कप पानी लेंगे और इसको हम सेट करके एक ढक्कन से ढक देंगे। 1 से 2 मिनट ढक्कन से ढक के पकाएंगे हम। फिर हम 2 मिनट बाद देखेंगे, ये सब्ज़ी देखो तेल छोड़ चुका है। ये सब्ज़ी कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के सर्व करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू वॉच फ्रेंड।